तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख रखा है। मैं अभी मौजूद हूँ मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को पता भी होगा जैसे कि ग्वालियर में ही एक बहुत मशहूर ग्वालियर का किला बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये पीछे हमारे है राजा मानसिंह महल। जी हाँ दोस्तों, राजा मानसिंह का यह महल है। इस किले को जब आप विजिट करेंगे तो इसके अंदर आपको काफी ऊपर आने पर, विजिट करने पर जगह देखने को मिल जाएंगी। ये यहाँ पे गुजरी महल है, नीचे वो देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप स्टार्टिंग करोगे। और ये जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है मानसिंह महल। सामने आपको संग्रहालय देखने को मिल जाएगा, और आगे थोड़ा और जाओगे 80 खंभे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बावड़ी देखने को मिल जाएगी, सहस्त्र बाहु मंदिर देखने को मिल जाएगा, और प्यारा सा गुरुद्वारा भी देखने को मिल जाएगा। सारा कुछ इस किले को ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हो, कोई टिकट नहीं लगता है। लेकिन जब इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर प्रॉपर फांसी घर बना हुआ है, झूला घर बना हुआ है, और भूल भुलैया बनी हुई है। वैसे तो लखनऊ की हमने भूल भुलैया आप लोग को दिखा रखी है, और मशहूर जो है वो लखनऊ की ही भूल भुलैया है। इसके अंदर भी जैसा कि मैंने गूगल से पढ़ा है तो भूल भुलैया बनी हुई है, वही दिखाने के लिए आज चल रहे हैं। इसके अंदर जाने पर हमको देने पड़ते हैं 25 रुपये इंडियन होने पर। अगर यही फॉरनर्स लेगा तो उनको 300 रुपये पे करना पड़ेगा 1 पर्सन का। यहाँ 1 पर्सन का 25 रुपये का ये टिकट है। आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, शायद 20 रुपये का पड़ जाए, ऐसे आपको 25 रुपये का पड़ रहा है। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करते हैं और इसके अंदर लेके चलते हैं, और आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं फांसी कहाँ पे दी जाती थी, जो फांसी घर बनाया गया है, झूला वगैरह कहाँ पे राजा रानियाँ झूला करते थे वो जगह दिखाते हैं, और इसके अंदर जो भूल भुलैया बनी हुई है, मेन अट्रैक्शन के लिए तो मैं वही जा रहा हूँ, तो वो दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। ग्वालियर स्थित यह किला बलुआ पत्थर सैंडस्टोन की 100 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 2.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 200 मीटर से 725 मीटर है। ग्वालियर दुर्ग का प्राचीनतम स्मारक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुड़ राजा मिहिरकुल 525 ईस्वी के शासनकाल में 15वें वर्ष के मात्र चेट के ने करवाया था। यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसके बारे में प्रॉपर पढ़ सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो इस किले के बारे में। और अगर भाई बाहर से आते हो, फॉरनर्स हो अगर आप लोग, तो फिर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, या वैसे इंडियन हो इंग्लिश में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये भी पॉज करके पढ़ सकते हो। और पर्यटक के लिए क्या क्या यहाँ पे जो है निवेदन किए गए हैं वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सामने ही हमारे टिकट घर है, ये टिकट काउंटर है, पीने के लिए सामने पानी है, हर चीज़ ये तो नया बना दिया गया फिलहाल अभी। इधर भी जा सकते हैं हम लोग, इधर का टिकट अलग लगता है, और कुछ ही दिन से इसका जो टिकट है अलग लगने लगा है। हम शायद 3 से 4 महीने पहले आए थे तो नहीं लगता था। जो अभी हम चलने वाले हैं राजा मानसिंह महल, वो यहाँ से एंट्रेंस है इसका। ठीक है, यहाँ से जैसे ही चलते हैं तो हमें 2 तोप देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं, कि किस तरीके से रखी हुई है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और महल के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहाँ से एंट्रेंस है इसका, वो भी यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। ये देखिए कितनी भारी तोप रखी है भाई, ये गोला निकलने का जो स्थान जगह है ये देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और काफ़ी बड़ी तोप है। शायद कैमरे में छोटी लग रही होगी लेकिन काफ़ी बड़ी है। और सामने जो आप लोग जगह देख रहे हो और जो स्पेस है इस किले का, वो ओनली फॉर कपल्स के लिए है। उधर जाते कपल्स ही देखने जाते हैं एक दूसरे को, किला कौन देखने जाता है। सामने आप लोगों को एक कपल दिख भी रहा होगा जो तेजी से दौड़ते हुए उधर जा रहा है, तो उधर कपल्स के लिए है। आप लोग फैमिली के साथ आते हो तो नहीं जा पाओगे मेरा मानना है। ये संग्रहालय यहाँ का बना हुआ है, शायद इसी टिकट में आप लोग घूम सकते हो, मैं पता करके आगे कन्फर्म कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे एंट्री गेट के पास हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मानसिंह महल के बारे में लिखा हुआ है। यह राजमहल हिंदू स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस महल का निर्माण 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। इस महल में कुल 4 तल हैं, जिसमें 2 तल भूमिगत हैं, तीसरे तल की भवन योजना में स्तंभों एवं कोष्ठकों पर आधारित हुई। कुछ ऐसे लिखा हुआ है इसके बारे में सारा कुछ, क्या क्या इसके अंदर दीवारों पर बना हुआ है वो सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये जो है 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह तोमर ने इसको बनवाया था, इसलिए मानसिंह महल के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पे एंट्री है, तो चलिए चलते हैं। शायद मैं ही चल रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो भीड़ अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर बैठे हैं गार्ड साहब, जिन्होंने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे दिए, जो हमारा ट्राईपोर्ड था उसको भी
अंदर करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो किले के अंदर आप लोग आते हो तो जो गैजेट हैं वीडियो बनाने वाले वो आपको यूज नहीं करने देते, कैमरे भी यूज करना अलाउ नहीं करते, फोन से वीडियो शूट कर सकते हो। और जो मेरी माइक लगी थी वायरलेस, उसके बारे में भी काफी पूछताछ करी। यहाँ पे छोटा सा एक साइन कर दिया है, यही है इसका पहचान कि ये यूज हो चुका है। और एंट्रेंस इसका यहाँ पे है, लिखा हुआ है मन मंदिर पैलेस, ठीक है, बिल्ट इन द रेज ऑफ द राजा मानसिंह एड 1486 से 1516 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है। और ये जो है इसके एंट्रेंस है, यहाँ पे ताला खुल गया है और हम इसके अंदर आ गए हैं। वैसे ही यहाँ पे आवाज जो है गूंजने लगी है भाई, और आप लोग देख ही सकते हो किस प्रकार से आवाज गूंजने लगी इसके अंदर आने से। अच्छा, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो प्रॉपर मैं वीडियो बना नहीं पाया था, क्योंकि मेरी काफी फटी थी इसके अंदर, और अभी भी मैं अकेला हुआ हूँ। तो मेरे साथ पीछे विकास है, उसको आ जाने देते हैं, उसके बाद भैया साथ में घुसेंगे, क्योंकि इसके अंदर भूल भुलैया है, काफी चमगादड़ रहते हैं तो वो दिक्कतें करती चीजें। ये देखिए, इस टाइम पे कहते थे ऐसा कि यहाँ पे जो है रानी महारानियां ऊपर बैठा करती थी। तो दोस्तों, अभी फानी मैं इस जगह से आया हुआ हूँ, और ये जो जगह आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, एक आंगन जैसा कह सकते हो इसको, यहाँ पे मौजूद है। इसके बारे में देखिए, अंदर भी उसी तरीके से कलर से डिजाइन बनी हुई है, ब्लू और ग्रीन कलर से, जिस कलर से बाहर की साइड डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल गई थी। और यहाँ पे ये जो आंगन जैसा बना हुआ है, इसका भी एक उस समय महत्व होता था। उससे पहले आप लोगों को ये दिखा देते हैं, ये कटघरा जैसा बना हुआ ना, जहाँ पे राजा बैठा करते थे। और ये देखिए, जालीदार जो बालकनियाँ बनी है ना, ये इनमें रानियाँ बैठ के नृत्य देखा करती थी। यहाँ पे जो है नाच गाना भाई हुआ करता था, ये देखो यहाँ पे होता था नाच गाना, जहाँ से वो राजा बैठ के देखा करता था, और इसके अंदर से देखिए रानियाँ जाली, उस समय पर्दा प्रथा ज्यादा थी तो रानियां जो है जालियों के पीछे से देखती थी। यहाँ पे सुंदर सुंदर आकृतियां भी बनी हुई हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे इन छज्जों के नीचे दीवारों पर मोर बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का निशान आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में आप लोगों ने इस तरीके का चिन्ह जरूर देखा होगा। और जैसा कि मैंने बाहर ही बताया था, उस जो शिलालेख पे लिखा हुआ था कि ये जो हिंदुओं का प्रतीक है, हिंदुओं के जो है यहाँ पे काफी ऐसे चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे दीवारों पे बनाई गई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो हिंदू धर्म में मोर भी पूजनीय है, इस तरीके का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, एक नहीं दोनों साइड देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए इधर भी है, और यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को तुलसी की पत्ती भी देखने को मिलेंगी। ये जो प्रॉपर है वो तुलसी की पत्ती यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाथी बनाए गए हैं, ये हाथी बनाए गए हैं हिंदू धर्म में हमारे, ये भी पूजनीय है, ठीक है। ये देखिए चक्र जैसे यहाँ पे बनाए गए हैं, ये देखिए, और रुद्राक्ष जैसे यहाँ पे नीचे नीचे धारियां बनाई गई हैं, देखो ये रुद्राक्ष जैसी। इसका ये मतलब है कि जो सामने का जो आप लोग एरिया देख रहे हो, ये पूरा मंदिर का एरिया था उस जमाने का। यहाँ पे देखो, ये पूरा मंदिर का एरिया था, है ना, और ये तो रानियों के बैठने के लिए जगह थी ही, जो कि यहाँ पे नृत्य देखा करती थी। अब ये मंदिर का एरिया कैसे था आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष जैसे माला जैसे सब बने हुए हैं, तो ये उस जमाने का मंदिर था मानसिंह तोमर जी का, जो कि यहाँ पे देखिए मूर्तियां स्थापित थे उस वक्त, आज मौजूद नहीं है। उससे पता ये चल रहा है कि आज मूर्तियां तो यहाँ पे चलो मौजूद नहीं है, होती भी तो पूजा पाठ नहीं होती, अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट। और इसके परिक्रमा लगाने के लिए प्रॉपर एक गैलरी बनाई गई है, जिसकी जो है सीढ़ी यहाँ से है, और ये प्रॉपर गैलरी बनी हुई है अंदर अंदर। ये देखिए, ये पीछे पीछे गैलरी बनी हुई, विकास इसी के अंदर घूम रहा है चारों तरफ, ताकि इस मंदिर की जो है परिक्रमा करी जा सके राजाओं और रानियों द्वारा। ये देखिए पूरी परिक्रमा का जो है यहाँ पे साधन बनाया गया है, ये गैलरी बनाई गई है, ठीक है। और इस पे जो बनी दीवारों पे डिजाइन वो भी आप लोग देख सकते हो, और इस के ऊपर जो ये केले के पत्ते भी आप लोग देख सकते हो, ये जो है केले के पत्ते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे दीवारों पे बने दिख रहे हैं। और ये ऊपर रुद्राक्ष की माला है, ये रुद्राक्ष की माला भी देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। ऊपर आप लोग देखोगे तो डमरू के आकार का जो है एक डिजाइन बना हुआ है। तो ये सब हिंदुओं धर्म में जो है मंदिरों में ये चीज मौजूद होती है, और ये प्रॉपर मंदिर जो का जो है सिंबल है, और ये प्रॉपर मंदिर ही था यहाँ पे। अब ये आते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे काल कोठरियां देखने को मिल जाएंगी जो अभी बंद है, और जिनमें जो है चमगादड़ों का भी वास है। तो इसके अंदर ना चल के हम उस चीज को ढूंढते हैं जहाँ पे फांसी घर बना हुआ है, और फांसी घर के साथ साथ झूला घर बना हुआ है, और भूल भुलैया। तो यहाँ से हम इंटर कर लेते हैं इसके अंदर, और वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा, काहे की आवाज आ रही है। ये अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, और अंदर
भूल भुलैया है। विकास, विकास तो दोस्तों यहाँ से अभी हम आए हैं तो हमें एक रास्ता ये देखने को मिल जाता है, ये तो बाहर की जाता है डेफिनेटली, यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है, काफी शोर है, काफी लोग नीचे हैं मौजूद यहाँ पे, तो अभी हम नीचे यहाँ से चलेंगे और काफी नीचे रास्ता है, सीढ़ियों वाला रास्ता है। इसी तरीके से लखनऊ की भूलभुलैया में भी हमें रास्ता देखने को मिल जाता है, तो बिना देरी करते हुए नीचे की तरफ चलते हैं। अभी तो काफी लोग हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है भाई। दोस्तों इस रास्ते से अभी हम लोग आए हुए हैं, जैसे ही यहाँ आएंगे तो आगे और गैलरी जा रही है, आगे काफी और लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है और एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है, ये क्या चीज है, ये देखिए ये क्या चीज है, जो सैंडल वगैरह पड़ी हुई है, मेरे को नहीं आइडिया है कि ये क्या बनाया गया है, पर ये उसी टाइम का बना हुआ है एक होल जैसा, और बाहर देखने के लिए यहाँ पे होल थे, हमें लग रहा बंद कर दिया गया, कुछ अभी भी होल है। और ये इसी तरीके से लखनऊ की भूलभुलैया का भी कुछ निर्माण है। ओ भाई गॉड, यहाँ से भी एक रास्ता है, उससे पहले आप लोग को ये दिखा देते हैं, ये शायद यहाँ का जो है झूला घर, ये है झूला घर यहाँ का भाई, यहाँ पे किस तरीके का मौजूद है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कड़ा बना जरूर होगा झूला घर के अंदर। हाँ ये देखें, इसके अंदर जंजीर में कड़ा लगा होता, कड़ाई में जंजीर लगी होती थी और जो है जंजीर में जो है झूला पड़ा होता था, जिसपे रानियां या राजा बैठ के जो है झूला झूलते थे और अपना फ्री टाइम यहाँ पे इंजॉय करते थे, वो स्पेस यहाँ पे है, मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसके चारों तरफ एक भूलभुलैया का स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना, इस जाली के पीछे देखे स्पेस है और ये स्पेस जो है वो झूला घर का है, तो ये झूला घर का एरिया है। अब चलेंगे इसके नीचे, शायद फांसी घर हमें देखने को मिलेगा, और जो भूलभुलैया है वो यही भूलभुलैया है जो कि रास्ते इसके अंदर जो मौजूद है। तो अभी चल रहे हैं, चमगादड़ों की काफी यहाँ पे आवाज आ रही है। नीचे जाने के लिए एक और रास्ता यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो चलिए पहले नीचे चलते हैं फांसी घर। अभी चलते हैं दोस्तों इसके नीचे और देखते हैं भूलभुलैया का क्या माहौल है। ये भूलभुलैया कौन है भाई, शेर साला डरा दिया हमको, आगे सर फांसी घर है भैया, यही फांसी से दी जाती थी, ऊपर झूला घर था और ये जो है यहाँ पे कुछ कटघरे जैसे बने हुए हैं, बाहर देखने के लिए जाली जैसी दी गई है यहाँ पे। और ये भूलभुलैया लखनऊ के भूलभुलैया में गया हो, इसी तरीके के तो सीढ़ियां वहां बनी है, ये फांसी घर था भाई, इसी के अंदर लाश गिरा दी जाती थी, है ना। ये देखिए यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया गया था और ये जाल है, ये जाल खोल दिया जाता था, ये जाल खोल दिया जाता था, इसी के अंदर जो गिर जाता था, ये पता नहीं उसी टाइम का जाल है या अभी का है, नहीं है अभी का नहीं है उस, ये उसी टाइम का नहीं है अभी का है, ये गड्ढा तो नीचे रखना पड़ता था, जब किसी को फांसी दोगे तो इसमें लटक के जाएगा एकदम, पर्दा खुलेगा, तो हाँ वो सिस्टम है। देखो ऊपर का सिस्टम कुछ बनाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे नीचे गड्ढा भी प्रॉपर बनाया गया है, तो यहाँ पे फांसी देने का कार्य होता था और ये सबसे निचले हिस्से में फांसी दी जाती थी। यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, अभी समझ भी नहीं सकते आप लोग, और ये है राजा मान सिंह तोमर किले महल का फांसी घर, अभी जो हमने दिखाया वो झूला घर था और फांसी घर ये मौजूद रहा, यहाँ पे देख सकते हो, ये काफी डरावनी जगह है। काफी पिछली बार आए थे तो यहाँ पे चमगादड़ों का वास था, पर इस बार जो है थोड़ा सा ओपन जगह देखने को मिली। अब इसकी भूलभुलैया का भी सैर कराते हैं, अब हम दूसरी साइड इसके आ चुके हैं, और विकास देख कर सन्नाटा पड़ रही है ना, सन्नाटा भैया ऊपर देखो लाइट के लिए। और ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बनाया गया है, एक रास्ता इधर की तरफ जाता है और एक रास्ता इधर की तरफ, यही है इसकी भूलभुलैया असली। तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता चूज कर लिया है बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो लखनऊ के ऐसी नहीं कह सकते भूलभुलैया, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर इसको दिया गया बनाया गया है और ठीक है भूलभुलैया टाइप से इसको दिखाया गया बनाया गया है, और काफी खतरनाक रास्ता है। देखो विकास आ रहा है किस तरीके से इसकी डिजाइन बनाई गई है, अभी ऊपर भी देखो किस तरीके से डिजाइन है, और चलना मेरे को यहाँ से बाहर है। इसी तरीके से लखनऊ में भी भूलभुलैया देखने को मिलती है सीढ़ियों वाली, आ तो गए बाहर, चलो फाइनली भाई बाहर। अभी यहाँ पर देख सकते हो इस रास्ते से हम बाहर निकल आए हैं, और इसके अंदर का भी डिजाइन भाई काफी खूबसूरत है, यहाँ पे देखे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही इंतजाम था, हमें लगा नाच गाना होता था उस जमाने में, तो यहाँ पे बैठने का जो है वो काम होता था, वहां से बैठ के ऊंचाई से लोग देखा करते थे राजा महाराजा, और इधर भी एक बना हुआ है, इधर भी कुछ बैठा करते थे, ऊपर जाना अलाउ नहीं है अभी, लेकिन यहाँ भी उसी तरीके से जो है ब्लू और स्काई ब्लू है, सॉरी स्काई ब्लू और जो येलो कलर का कलर है, सॉरी येलो कलर है जो, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसी से डिजाइन बनाई गई है। यहाँ पे भी हमें लग रहा मंदिर ही था, ये जो है यहाँ पे
वो मंदिर की है का स्पेस है। यहाँ पे देखे तीन ऐसे मंदिर जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देखो ये मंदिर ही था हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम उसके सबूत भी एक दो दिखा देते हैं। ये देखिए आकृति जो है वो घंटे जैसी नजर आ रही कि नहीं, ये आकृति घंटे जैसी नजर आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे स्वास्तिक जैसा नजर आ रहा था मेरे को, स्वास्तिक जैसा है कि आप लोग बताना कैसा लग रहा, स्वास्तिक जैसा लग रहा नहीं लग रहा वैसा। यहाँ पे जरूर चलेंगे अभी हम लोग, तो आप लोगों को दिखाएंगे मंदिर क्यों लग रहा है। ये देखिए आप लोगों को नहीं लगता कि सामने मूर्ति रखी होगी, उसमें मूर्ति रखी होगी, इसमें मूर्ति रखी होगी, और जो मूर्ति से पीछे से लाइट आने का जो होता है सिस्टम उसको जालीदार दर्शाया गया है ना। इसके अंदर देखो आ गए प्रॉपर, ये मंदिर लगता है देखो ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर, मंदिर लगता क्या, ये पूरा मंदिर है ही, मंदिर था ही उस जमाने में। यहाँ पे भी काफी स्पेस है और यहाँ पे मूर्तियां स्थापित होंगी, यहाँ यहाँ और यहाँ मेन मूर्ति के लिए ये जगह यहाँ पे है। यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर सिटी देखने को मिल जाएगा, और काफी ठंडी ठंडी हवा इसके अंदर से आ रही है भाई, वो काफी खूबसूरत लग रहा है। लोग पुड़िया खा के यहीं थूक देते हैं भैया, यही पुड़िया लगा देते हैं, ये देखो लगी है इसमें। तो ये यहाँ से ग्वालियर सिटी का नजारा देख सकते हो अपना, वो तिरंगा भी देख सकते हो। तो कुछ ये था ऊपर का नजारा, और यहीं पर जो है ये वीडियो खत्म होता है, क्योंकि घूमने लायक यही चीजें देखने लायक इस किले के अंदर मौजूद है।